कुमारी नगर थाना क्षेत्र के इमामबाड़ा मोहल्ले में देर रात दबंग ने आपसी विवाद को लेकर बम मार दिया। घटना के बाद सूचना स्थली लोगों ने कोतवाली पुलिस और डायल 112 को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंचकर घायलों के इलाज के लिए जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। इस घटना में 7 लोग घायल हो गए। 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक युवक की हालत गंभीर होने से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके में पुलिस पर तैनात कर दिया गया। वही मौके से आरोपी बबलू सुपारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है पुलिस। थे और घर में आए, मुहारे जब फूट गया, बम मार दिया तो हमने निकलने के बाद में धुआं में चौंधिया गया। हमको कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कितने लोग थे? अब हमको पता नहीं था। कहां? वही जो मुन्नू सुपारी थे। न कोई मसला था न मसाइल था। एक लड़के से जो अकबर का लड़का चोट खाए हुए है उससे ये पैसा छीन लेते, झटापटी हो रही थी तो लड़के यहाँ बाहर सब खड़े हुए थे, हटो का भका भका, तब तक इन्होंने उसके पैर पे बम मार दिया, सब छितरा हो गया। कोतवाली नगर क्षेत्र में इमामबाड़ा के पास मुन्नू सुपारी द्वारा शराब के नशे में मोहल्ले के ही हैदर से वाद विवाद किया गया। वाद विवाद के दौरान ही हाथ से बना हुआ बम हैदर के ऊपर फेंक दिया गया, जिसमें हैदर व 3-4 अन्य लोग घायल हो गए और मुन्नू सुपारी अपने छत से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस टीम द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जो घायल थे उन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया है और हैदर के पिता द्वारा तहरीर प्राप्त की गई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।